दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह तड़के भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। इस भीषण हादसे में 7 महीने का एक बच्चा बच गया। घटना में मरने वाले बिजनौर के माले मोहल्ले के रहने वाले हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परतारपुर पुलिस ने सभी शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान काफी अफरा तफरी का नजारा देखने को मिला। आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और वहाँ पुलिस ने जाके जब पता किया तो मौके पे 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जो सभी बिजनौर के रहने वाले थे और अपने परिजन को छोड़ने दिल्ली एयरपोर्ट गए हुए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते समय एक ट्रक जो कि खड़ा था किनारे साइड में, उसमें टक्कर हो गई पीछे से, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक छोटी बच्ची घायल थी जिसका इलाज अभी कराया जा रहा है। ट्रक को और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। आगे पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें FIR पंजीकृत करके आगे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। थैंक यू। बताया जा रहा है कि बिजनौर के रहने वाले जहीर खान दुबई में फर्नीचर का काम करते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से वापस घर आए थे। सोमवार को उनको दुबई फिर जाना था। फ्लाइट के लिए जहीर और उनके बेटे समेत 3 लोगों को छोड़ने के लिए परिवार के सदस्य कार में सवार होकर एयरपोर्ट पर गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से अपने बेटों को छोड़कर वापस लौट रहे ब्रिजा कार सवार चालक ताजिम निवासी बिजनौर को नींद की झपकी लग गई, जिस कारण तेज रफ्तार ब्रिजा कार टोला प्लाजा के पास खड़े ट्रक में जा घुसी, जिस कारण कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 8 माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को उपचार के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।